आकर जो है वो बताने हैं किसके रिजल्ट्स आप लोग इस ये देख लें जी, कितनी इधर देखें मैं आपको क्लोज दिखाऊं, ये आप चेक कर रहे हैं ये किस तरह से जो है वो झुरियां मेरे स्किन के ऊपर यहाँ पे ये डेड स्किन हुई पड़ी थी। एक दफा सिर्फ यूज किया आप लोगों के सामने और आप रिजल्ट देख लें, लाइव रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। जैसा कि आप लोगों को मेरे सामने नजर आ रहे हैं माल्टे के छिलके, ठीक है, एक मैं आप लोगों को आज जो बना के दिखाने वाली हूँ होममेड ऑरेंज विटामिन सी का सीरम भी और जो है टोनर भी। आज मैं आप लोगों को टोनर बनाना सिखा रही हूँ होममेड। आप किस तरह से घर में विटामिन सी टोनर बना सकती हैं जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या डबल टोन में उनकी स्किन जाना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर झुरियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, कलर टैन होना शुरू हो जाता है, कॉम्बिनेशन स्किन बन जाती है, मीन्स कहीं पर डब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं से व्हाइट होती है और कहीं से ब्लैकनेस की तरफ स्किन जाना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लोगों की स्किन को कोई भी इशू है और आप लोग महंगे महंगे जो टोनर्स हैं वो अफोर्ड नहीं करती, स्पेशली जिन लड़कियों के स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है और एक्नी बन जाती है ड्यूरिंग कुछ भी, आप अगर आप कह लें कि आप कोई भी काम करती हैं, कोई भी मट्टी वाला काम करती हैं, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मीन्स आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी निकलना शुरू हो जाती है और आप बहुत महंगे महंगे जो हैं वो सीरम्स भी अफोर्ड नहीं करती और टोनर अफोर्ड नहीं करती, तो आज आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना, आप लोग कौन सी सीरीज से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सो मैं वीडियो को अब स्टार्ट करती हूँ। आपको मेरे सामने जो मैंने ये ड्राई रखे हुए हैं ना, ये मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं, ठीक है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो माल्टे के छिलके थे ना उनको ओवरनाइट के लिए मैंने रोज़ वाटर में डिप करके रखा, ठीक है, किस में डिप करके रखना है आपने, रोज़ वाटर में। रोज़ वाटर में आपने संतरे के छिलके को, और मैं कह रही हूँ सीज़न जा रहा है, फटाफट से ये जो टोनर है वो बना कर रख लें, 5 to 6 मंथ के लिए आपका ईजीली ये स्टोर हो सकता है क्योंकि गर्मियों में आप लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है। सो आप लोगों ने ये चांस मिस नहीं करना क्योंकि माल्टे अगर चले गए ना तो फिर रोते फिरोगे और इतने इतने महंगे जो टोनर्स हैं विटामिन सी टोनर्स हैं वो परचेज करने पड़ेंगे भाई, तो क्यों ना घर में ही बनाए जाएं, ऐसा है ना। चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत गप्पे शप्पे हो गई, साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ आप लोगों के साथ मैं गप्पे शप्पे लगाऊंगी और आप लोगों को और जो मजीद जो प्रॉब्लम्स हैं उनके उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोग देख लें जी, ये हमारी ओवरनाइट जो संतरे थे उनको रखने के बाद इसका जो कलर था वो इस तरह से चेंज हो चुका है, आप देख लें ये कलर जो था इसका चेंज हो चुका है, ये वाइट ही कलर नहीं रहा, आप देख लें इसका जो कलर था मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी अब आपको क्लियरली थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से इसका जो इतने इसके जितने भी मैं कहती हूँ इसके मेडिकल इंग्रेडिएंट्स थे ना इन छिलकों के अंदर वो सारे इसमें आ चुके हैं, इसमें हम कोई फार्मूला ऐड नहीं करेंगे। जिन बच्चियों की स्किन के ऊपर रिएक्शन हो जाती हैं और उनकी स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सूट नहीं करती या कोई भी टोनर सूट नहीं करता, वो अप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये टोनर बना लें आप लोग, मुझे दुआएं देंगे कसम से, इतना कमाल का और इतना इफेक्टिव ये टोनर है, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ। छिलकों का जो रस है ना वो निकल चुका है, देख लें हमारे बच्चे सर के ऊपर खड़े हैं, पता नहीं उन्हें लग रहा है कि पुप्पो हमारी कोई जूस या शेक वगैरह बना रही है, इतनी मुश्किल मैंने ये छिलकों को संभाल संभाल के रखा क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और मुझे जो था मेरा सीरम भी और मेरे टोनर्स वगैरह ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि सर्दियाँ जा रही हैं जल्दी जल्दी से बनाकर रख लूँ। 3 टेबल स्पून जो है आपने, जब आपकी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए उसमें आपने 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल के ऐड करने हैं, उन लड़कियों ने ऐड करने हैं जिनकी जो है स्किन ऑयली है, जिनकी स्किन ड्राई है वो इसके अंदर जो है वो ग्लैसरीन ऐड कर सकती हैं। ये जो है मैं आपको स्किन
टोनर बनाना सिखा रही हूँ, विटामिन स्किन सी टोनर, ठीक है। स्किन के लिए, हर टाइप के लिए आप लोग जो है ये टोनर को यूज़ कर सकती हैं, और इतने कमाल के रिजल्ट्स हैं जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो गई हैं, या टैन हो गया उनका कलर, या उनकी डिसकलरेशन हो गई है, उसकी एक की टू टोन में उनका कलर जा चुका है, वो भी यूज़ कर सकती हैं। और जो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो कोई क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकती या कोई सीरम यूज़ नहीं कर सकती, वो सब लड़कियां ये सीरम ट्राई करें। 100% ना रिजल्ट मिले ना तो मैं चैनल छोड़ दूंगी, गारंटी के साथ कह रही हूँ। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं यार, जब मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने हर क्लाइंट को यूज़ करवा रही हूँ। अब यकीन करें कि सर्दियाँ ख़त्म हो जानी हैं, फिर बाद में आपने बैठ के पछताना है और ढेरों ढेरों पैसे लगाने हैं, और जाते जाते सर्दियों का फ़ायदा उठा लें, फटाफट से अपना सीरम बना के रख लें। क्लिंजिंग करें इसको अच्छी तरह से, जब आपके चॉप हो जाए इसकी 5 मिनट के लिए क्लिंजिंग करें, फेस पे अप्लाई करें, हैंड फुट पे अप्लाई करें, फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो मेरी बहनें जिनकी शादियां होने वाली हैं, डेट फाइनल हो चुकी हैं या डेट फाइनल होने वाली हैं, तो ये सीरम बना लें। अगर आपको अपनी बॉडी जो है वो वाइटनिंग, टोटल वाइटनिंग चाहिए, इसको ट्राई करें। जो हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे आपकी जो वाइटनिंग आपको मिलती है ना, वो मिलती थोड़ी सी लेट है, स्लोली मिलती है, बट वो वाइटनिंग ओरिजिनल वाइटनिंग होती है, वो आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, कोई केमिकल होती है। लाइव रिजल्ट्स आप लोग देख लें, कितनी मेरी स्किन जो है वो ख़राब हुई पड़ी थी, मेरी स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेड स्किन हो गई थी, पर यकीन करें एक दफ़ा अप्लाई करने से वो सारी रिमूव हो गई। 15 मिनट के लिए आपने लगा के छोड़ना है, और इतना कमाल के मैं लिटरली मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ये सीरम, ये टोनर सीरम भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना, अपनी दुआओं में बहुत सारे याद रखना है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, वो विटामिन सी सीरम पे है, होममेड सीरम पे है, और इतनी ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को वीडियो मिल जाए। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने लगी, अच्छा यही क्वेश्चन होगा कि क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं। जी, आप इसको स्टोर कर सकते हैं अच्छी तरह से, कंटेनर आप कोई भी लें, उसको वॉश करें, उसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पानी होगा और वो मिक्सअप नहीं होगा तो वो शायद आपको एक काई वगैरह लगने के चांसेस बढ़ जाएँ। आपने इस तरह से उस कंटेनर में डालना है अपने इस टोनर को, आप एयर फ्रेशनर में भी डाल के रख सकती हैं। वो मैं क्यों नहीं डाल रही, वो इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैंने इसको एज अ क्लिंजर भी यूज़ करना है, एज अ टोनर भी यूज़ करना है, आप दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकती हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।